मिस्टर कादिर की वाइफ और लॉयर आए हैं। कौन है आप? दरअसल मैं मिस्टर कादिर का लॉयर हूँ और मेरा नाम है मुमताज, और ये लेडी मेरी क्लाइंट है, मिस्टर कादिर की होने वाली वाइफ। कैप्टन, मेरे क्लाइंट एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी के शिकार हुए हैं। वो बच्ची पिछले कुछ टाइम से इस एड्रेस पर मेरे क्लाइंट के साथ रही थी। ये रहे सैंपल्स, आप इन्हें देख सकते हैं। मेरे क्लाइंट हताय में उस बच्ची के साथ रहते थे और उसके कस्टडियल इंडिविजुअल की डेथ के कारण उन्होंने उसे अडॉप्ट करने के लिए इंस्टीट्यूशन में अप्लाई किया है, और इसका प्रोसीजर काफी दिनों पहले ही शुरू हो गया था। ये रहे वो सारे कागजात, और मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि ये किसी गलतफहमी के शिकार हुए हैं। कहीं आपका इरादा मुझे डराने का तो नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। डरा तो रहे हैं, ये बताइए कि आप बताना क्या चाहते हैं? देखिए कैप्टन, मेरे क्लाइंट तुर्कान एक रेस्पेक्टफुल बिजनेस वूमन है। अगर आज ही गिरफ्तारी नहीं होती तो उन्होंने शादी की प्रक्रिया पूरी कर ली होती और एडॉप्शन के लिए अप्लाई कर दिया होता। मतलब अगर नोटिफिकेशन आज की जगह कल आता तो मिस्टर कादिर यहाँ नहीं बैठे होते। इसीलिए मैं सुप्रीम टर्किश लॉ में अपील करना चाहता हूँ। ठीक है ठीक है, आपके पास 48 घंटे हैं। मैरिज सर्टिफिकेट और एडॉप्शन एप्लीकेशन मेरी डेस्क पर होनी चाहिए, और हम जानते हैं मिस्टर कादिर कहाँ रहते हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर मुमताज, इतने शॉर्ट नोटिस पर सभी डॉक्यूमेंट्स मिल पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल होता। हाँ सही बात है, इसीलिए मैं अपनी बेटी के क्लास नोट्स लेकर आया था, क्योंकि इतनी शॉर्ट नोटिस में मैं सिर्फ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट से ला सकता हूँ। लेकिन आप इतने श्योर कैसे थे कि वो इन्हें नहीं देखेंगे? यहाँ आने से पहले मैंने उनका सीवी देख लिया था, इसीलिए मैं जानता हूँ पुलिस में 30 साल से, इसीलिए उन्होंने बहुत केसेस देखी होंगी। लेकिन मुझे यकीन है जब उसने आपको देखा तब उन्हें लगा कि आप उस तरह के इंसान नहीं हो, मतलब वो जानते हैं कि कोई क्राइम नहीं किया होगा, और मुझे नहीं लगता कि उसका इंटेंशन आपको बंद रखने का था। हम इसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, लेकिन हमें जितनी जल्दी पॉसिबल हो शादी के मामले में कुछ करना होगा, ठीक है? मिस तुर्कान, मैं कल सुबह आपके नाम पर इमरजेंसी मैरिज सेरेमनी का अरेंजमेंट कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे आपकी आईडी चाहिए। बिल्कुल, ये लीजिए। मुझे स्कूल जाना है, माफ कीजिएगा, मुझे जाना होगा। मुझे सुकरान के पास जाना है। मिस आईसी गेट के सामने है, लेकिन वो उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे। गटे, अपना ख्याल रखना। देखते हैं वहां मेरी बेटी के पेपर्स चलेंगे या नहीं।